गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस देयर आर टू टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, प्रोकैरियोटिक सेल ओरिजिनेटेड एट फर्स्ट विच लेटर इन changed into eukaryotic cell by organic evolution. Structure of prokaryotic cell. See, this is the structure of prokaryotic cell. Prokaryotic cell are primitive type of nucleus having cell. Prokaryotic are primitive type of cell like bacteria and blue-green algae. They are typical prokaryotes. They do not have intracellular membrane, that is the cytocompartmentalization of the cell. Even the genetic material or nucleus is not enclosed in the nuclear membrane. It is the form of circular DNA and nucleic suspended in the cytoplasm itself. There are no nuclear membrane enclosed it. Prokaryotes having ribosomes to synthesize protein in the cytoplasm, mitochondria, endoplasmic reticulum and Golgi body, lysosome, chloroplast like other cell organelles are absent. See this structure, it is प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल सबसे पहले मिली सेल जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया और एल्गी हमें देखने को मिलते हैं, उसमें ये बताया कि यहाँ हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये एब्सेंट मिलेगी, यहाँ केवल राइबोसोम मिलेंगे जो प्रोटीन के सिंथेसिस में सेल की हेल्प करेंगे, और यहाँ पे स्मॉल सेल ऑर्गेनल्स जो प्रोटीन के सिंथेसिस के अलावा जो दूसरे काम करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर एब्सेंट। यूकैरियोटिक सेल एनिमल्स ऑफ फॉलोइंग प्लांट्स हैविंग डेफिनेट न्यूक्लियस इन देयर सेल आर नोन एज यूकैरियोट्स। मतलब जब हमने प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद जो सेल जिनमें सारे सेल ऑर्गेनल्स धीरे धीरे डेवलप होने लगे, उसे हमने प्रोकैरियोट्स से डेवलप्ड और ऑर्गेनिक एवोल्यूड सेल यूकैरियोटिक सेल कहा। यूकैरियोटिक सेल जिनमें बहुत से माइक्रो सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, ये सभी सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम यहाँ आगे देखेंगे डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। आपको सबसे पहले ऐसा इस फॉर्मेट में तीन कॉलम बना के दोनों में डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस में आप सबसे पहले कॉलम में यहाँ पे आप लिखेंगे फीचर्स, फीचर्स और आप कैरेक्टर भी लिख सकते हैं। सेकंड कॉलम में आप लिखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, नेक्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे यूकैरियोटिक सेल। पहला पॉइंट आप लिखेंगे फीचर में टाइप। टाइप में आप प्रोकैरियोटिक सेल में लिखेंगे प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, और यूकैरियोटिक सेल में लिखेंगे एडवांस्ड टाइप ऑफ सेल। नेक्स्ट आप जब फीचर लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे सेल वॉल। सेल वॉल आप जब प्रोकैरियोटिक के कॉलम में लिखेंगे, लिखेंगे प्रेजेंट कंपोज्ड ऑफ अमाइनो शुगर्स एंड म्यूरामिक एसिड, जो ब्लू ग्रीन एल्गी जिसमें कुछ एक में सेल्यूलोज की बनी होती है। जब आप आएंगे यूकैरियोटिक वाले कॉलम में, आपको लिखना है एब्सेंट इन एनिमल सेल, प्रेजेंट इन प्लांट सेल, कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। एनिमल सेल में ये एब्सेंट होगी, प्लांट सेल में सेल्यूलोज के बनी होती है। थर्ड
जो आप कैरेक्टर या फीचर लिखेंगे वो आप लिखेंगे कैप्सूल। कैप्सूल में आप प्रोकैरियोटिक सेल में लिखेंगे व्हेन प्रेजेंट कंपोज्ड ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड। अगर कैप्सूल प्रेजेंट होगा तो किससे मिलके बना होगा? म्यूकोपॉलीसेकेराइड से। और यूकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होगा। अगला फीचर आप लिखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट बताएंगे, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट बताएंगे। नेक्स्ट आप बताएंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक एंड प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक। वैसे ही आप माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, दीज आर द सेल ऑर्गेनल्स विच आर प्रेजेंट इन सिंगल सेल। ये आपको माइक्रो सेल ऑर्गेनल्स हैं जो ज़्यादातर आपके प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होंगे। सिर्फ राइबोसोम जो होगा वो प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का प्रेजेंट होगा। वही जब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की तो वहाँ आपको ये सारे सेल ऑर्गेनल्स प्राय प्रेजेंट मिलेंगे। इसमें राइबोसोम जो है वो 80S टाइप का मिलेगा। और वैक्यूल्स जो सबसे लास्ट हमारा कैरेक्टर है वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होगा और स्पेशली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा? वैक्यूल प्रेजेंट होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल और प्लांट सेल का जो मैंने PDF भेजा था उसमें दोनों के ही डायग्राम्स दिए हुए हैं। आप वो डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाने के बाद आप ये दोनों डिफरेंसेस उसमें लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप? एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। दो कॉलम में आप ये दोनों के डिफरेंस लिखेंगे। एनिमल सेल में फर्स्ट डिफरेंस आप लिखेंगे एनिमल सेल आर यूजुअली स्मॉलर इन साइज। एनिमल सेल जो होती है वो साइज में स्मॉल होती है। वही आप लिखेंगे प्लांट सेल में, प्लांट सेल आर कंपैरेटिवली लार्ज इन साइज। ये एनिमल सेल के अकॉर्डिंग थोड़ी सी साइज में बड़ी होती है। एनिमल सेल एनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओनली सेल वॉल इज एब्सेंट। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है एनिमल सेल, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। वही जब हम देखेंगे प्लांट सेल को तो प्लांट सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय थिक सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी हुई प्लांट सेल में थिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। वही नेक्स्ट आप जब देखेंगे प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स मतलब कलर पिगमेंट होते हैं जो एनिमल सेल में एब्सेंट मिलते हैं, वही प्लांट सेल में प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। आपको मालूम होगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पिगमेंट, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लास्टिड विच गिव्स ग्रीन कलर टू प्लांट्स। नेक्स्ट आप लिखेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कंसिस्ट लार्जली इन स्मॉलर वैक्यूल्स। यहाँ छोटे छोटे वैक्यूल्स मिलेंगे, जबकि प्लांट सेल में आप देखेंगे सेंट्रल स्पेस ऑफ द सेल इज ऑक्यूपाइड बाय लार्ज वैक्यूल। प्लांट सेल के मिडल सेंटर पे आप बोल सकते हैं बड़े बड़े वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वही आप फिफ्थ नंबर का इसमें डिफरेंस देखेंगे न्यूक्लियस लाइज इन द सेंट्रल ऑफ द सेल, सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो होता है वो एनिमल सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, जबकि यहाँ न्यूक्लियस लाइज ऑन वन साइड ऑफ द सेल। ये साइड किसी भी सेल में, प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो साइड में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट फीचर जो है प्रोमिनेंट एंड हाईली कॉम्प्लेक्स गोल्जी बॉडी आर प्रेजेंट। गोल्जी बॉडी एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है, लेकिन गोल्जी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल सब यूनिट्स कॉल्ड डिक्टियोसोम्स। गोल्जी बॉडी को ही इसकी सेकेंडरी यूनिट के फॉर्म में प्लांट सेल में इसे हम डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। यहाँ हम इन्हें
गोल्जी बॉडी प्रोनाउंस नहीं करते हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, डिक्टियोसोम प्लांट सेल में। नेक्स्ट कैरेक्टर होता है एनिमल सेल आर प्रोसेस सेंट्रोसोम विथ टू सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम जो होता है वो सेंट्रियोल्स के फॉर्म में टू इन नंबर्स किस में, एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होते हैं। वही जब हम बात करेंगे प्लांट सेल की तो यहाँ ये एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल लेक सेंट्रियोल्स। ओके स्टूडेंट्स, राइट डाउन दिस डिफरेंस इन योर कॉपी। वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।